छह महीने मई का महीना था, पांच महीने होंगे जब, तब इन्होंने नाटक किया कर्ज माफी का। चुनाव सामने था, 50,000 तक के कर्जे हम माफ करेंगे घोषणा कर दी। कुल जैसे अभी हम बता रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है अगर ये हम पूरी करते हैं तो 18,000 करोड़ की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। इन्होंने जो घोषणा की थी वो 8,000 करोड़ रुपए चाहिए थे उसके लिए। इन्होंने कितने पैसे जमा कराए लोगों के? सिर्फ 2,000 करोड़। और चुनाव आगे जो इन्होंने घोषणा की 6,000 करोड़ का भार, वो भी कांग्रेस सरकार के ऊपर ही आ रहा, ये उसमें भी झूठे साबित हुए। अब ये भ्रांति फैलाने के लिए निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ा कि भाई तुम धरना प्रदर्शन करोगे, चार एक महीना हुआ सरकार बने, दूसरे दिन सरकार बनने के ऋण माफी की घोषणा हुई है और साफ लिखा उसमें सहकारी बैंकों का कर्जा माफ होगा, सरकारी बैंकों का कर्जा माफ होगा, प्राइवेट बैंकों का कर्जा माफ होगा, भूमि विकास बैंक का कर्जा माफ होगा। लेकिन इनके पता नहीं पेट में दर्द है, ये देख रहे हैं इतना बड़ा कदम कैसे उठाया जा सकता है, तो ये बार बार ये धरना प्रदर्शन लोकसभा चुनाव को लेकर कर रहे हैं। और वस्तुस्थिति क्या है, पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, पहली कैबिनेट की मीटिंग में जिस तरह के गहलोत साहब ने फैसले लिए, सबसे बड़ा फैसला तो ये ऋण माफी की प्रक्रिया क्या तय होगी उसके लिए एक मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई। और वो क्यों बनाई, ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी से आपको मुकाबला करना है। ये लोग भ्रांति फैलाएंगे लेकिन हकीकत क्या है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता को मालूम होना चाहिए। हकीकत ये है, मान लो मैं बैंक से कर्जा लेता हूं, राष्ट्रीयकृत बैंक से लेता हूं, प्राइवेट बैंक से लेता हूं, बैंक आपसे विचार विमर्श करेगा, ब्याज माफ करने का है, आधी रकम लेने का है, ये नेगोशिएशन होता है बैंक के साथ कि मैं अब थोड़ी बहुत रकम भी आ जाए तो बैंक का वित्तीय घाटा कम होगा, ये बैंकों की पॉलिसी रहती है हमेशा हर बैंक की। तो सरकार ने जो ऋण माफी की प्रक्रिया तय की है उसमें सहकारी बैंकों का जितना कर्जा है वो तो इमीडिएटली जमा हो रहा है जितना भी है, लेकिन ये राष्ट्रीयकृत बैंक है इनके साथ हमने पॉलिसी अडॉप्ट की है, चर्चा करेंगे, अगर 2 लाख तक का कर्जा किसान के है बैंक से नेगोशिएट करेंगे, वो अगर 1 लाख तक का कर्जा वसूल करने पे राजी होते हैं तो 1 लाख कर्जा राज्य भर दिया जाएगा और किसान की ऋण मुक्ति 2 लाख की हो जाएगी। ये प्रक्रिया में टाइम अभी